इन 21st सेंचुरी भारत चिप्स आर नेवर डाउन। हाल ही में हुई सेमीकंडक्टर इंडिया समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गैदरिंग को कुछ इसी तरह संबोधित किया और उन्होंने बताया कि किस तरह यह सही समय है भारत में सेमीकंडक्टर के सेक्टर में इन्वेस्ट करने का और किस तरह भारत सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की कई इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर डेवलप करने वाली कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह इंडिया यूएस जापान सिंगापुर जैसी बड़ी कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप में है और स्टेबल पॉलिसीज बना रहा है, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इंडिया एम्स टू एक्सपैंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर फ्रॉम $150 बिलियन टू $500 बिलियन टिल द एंड ऑफ दिस डिकेड। फोर्ब्स इंडिया ने भी कुछ इसी तरीके से बताया है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 2022 में इट वॉज वैल्यूड अराउंड $226.3, जिसको आप यहां से भी देख सकते हैं, और इसमें जो जंप आया है जो CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है दैट इज अराउंड 26.3%। जिस हिसाब से 2032 तक, मतलब आज से लगभग 8 साल बाद, यह इंडस्ट्री $271.9 बिलियन की इंडस्ट्री होगी, जिससे कि हमें बहुत मेजर ग्रोथ जॉब सेक्टर में भी देखने को मिल सकती है विद सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री। इंडिया का फ्यूचर क्यों प्रॉमिसिंग है इन सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट, इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? तो इंडिया में लगातार मोबाइल्स की और लैपटॉप्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल एरियाज में भी इस टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को प्रमोट किया है, डिजिटल एडॉप्शन को प्रमोट किया है, जिससे कि रूरल एरियाज का भी मेन स्ट्रीम इंक्लूजन किया जा सके। साथ ही साथ इंडिया में स्टार्टअप्स को भी काफी बूस्ट मिला है, इसके लिए कई सारी स्कीम, स्टार्टअप इंडिया मिशन और ये सारी स्कीम्स ने इसको मदद करी है, जिसकी वजह से इंडिया में लगातार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोशन मिला है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके लिए काफी सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जैसे कि हम देखते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में लाई गई थी और इसके लिए PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी दिए गए थे। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हमेशा मैन्युफैक्चरर को मिलते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। चिप मेकिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने $10 बिलियन का एक बजट आउटले भी इन मैन्युफैक्चरर्स को दिया था। जिसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, दिस इनिशिएटिव एम्स टू अट्रैक्ट $1 ट्रिलियन इन इंडिया फ्रॉम द ग्लोबल इन्वेस्टर्स, ठीक है, तो इसके लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी लाया गया। साथ ही साथ इंडिया अपने आप को लगातार कुछ नई नई पॉलिसी, जैसे कि सेमीकॉन इंडिया जो अभी रिसेंटली हुआ ग्रेटर नोएडा में, तो सेमीकॉन इंडिया समिट जैसी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस लगातार होल्ड करता रहता है, जिससे कि इंडिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर में बना रहे। इसके क्या क्या फायदे हैं? तो फायदा सबसे बड़ा यह है कि आज आप जानते हैं कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में अगर हम एक भी जॉब लाते हैं तो उसकी वजह से कम 10 से 20 नए जॉब क्रिएट होते हैं। इसके अलावा चाइना लगातार स्ट्रॉन्ग होल्ड, अपना जो अपर हैंड हमें दिखाता है, वो इसी वजह से है क्योंकि हम सारी की सारी टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स पर हम चाइना पर ही डिपेंडेंट है और हमें चाइना से वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो अभी चाइना में है वो हमारे पास आ जाए और ऐसी इंडस्ट्री हमारे यहां डेवलप हो जाए तो चाइना पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, साथ ही साथ चाइना से हमारा इंपोर्ट भी काफी कम हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ चिप फैब्रिकेशन कैपेबिलिटीज विल नॉट ओनली इनहेंस इंडियाज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बट ऑल्सो पोजिशन इट एज अ लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल इन्वेस्टर्स हमारे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे ना कि चाइना पर। इंप्लॉयमेंट के सेक्टर में भी इसका मेजर रोल रहेगा, साथ ही साथ टाटा जैसी कंपनीज ने सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री पर इन्वेस्ट करना चालू कर दिया है, जिसमें कि वो चिप पैकेजिंग यूनिट्स बना रहे हैं। तो चिप बेसिकली उसमें सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन के ऊपर से इनकेसिंग करी जाती है जिससे कि उसको सेफ रखा जा सके किसी भी आउटर डैमेज से। तो इससे रिलेटेड जो पैकेजिंग यूनिट है वो रिसेंटली टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेटअप करी है इन गुजरात, जो कि 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगी। तो एक तरीके से हम ये बात कर रहे थे कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा तेजी से होगा, उसका सीधा सा एग्जांपल है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चिप पैकेजिंग यूनिट्स डेवलप करना, जिससे कि 50,000 जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। बट इसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, इतना आसान नहीं है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना। इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है दैट इज वेरी हाई, विच इज अराउंड $3 to $7 बिलियन। इसीलिए इंडिया में बहुत सारे बिलियनर्स होने के बावजूद भी
वो इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस सेक्टर में बहुत हाई कंपटीशन भी है। जैसे कि हम देखें ताइवान, जापान, यूएसए ऑलरेडी काफी ज्यादा डेवलपमेंट इस सेक्टर में कर चुके हैं, तो इंडिया उनको फॉलो करेगा या इंडिया जल्दी ही आने वाले वक्त में एक लीडर बनकर सामने आएगा, ये आने वाले टाइम पर पता चलेगा। इंडिया में जो सप्लाई चेन हमें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, उसके अलावा आपका टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड स्किल्ड मैन पावर, वो भी लैक करता है। ऑल दो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेमिकॉन इंडिया में ये प्रॉमिस किया है कि हम जल्दी से जल्दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मैन फोर्स को डेवलप कर रहे हैं, वर्कफोर्स को डेवलप कर रहे हैं। इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट ऑन इनोवेशन, नीड्स टू इन्वेस्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल। जबकि इंडिया अपनी जीडीपी का केवल 0.6% ही R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करता है। अगर इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो उसके लिए हमें अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च बढ़ाना होगा। इसका सीधा हम सबसे बड़ा लेसन ले सकते हैं ताइवान से, जो कि बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, लगातार इन्वेस्टमेंट करता है, पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट करता है, और डोमेस्टिक रिसर्च को बढ़ाकर उसने अपने आप को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक अनपैरेलल्ड सिचुएशन पर खड़ा कर लिया है। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंटली हेल्ड सेमीकॉन इंडिया समिट। थैंक यू।